नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं आपका अपना हिंदी यूट्यूब चैनल पढ़ाई फॉर युवा। पढ़ाई फॉर युवा के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के अलग अलग क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चंस सभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं शुरू से भी, और आगे भी इनके आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट, किलोबाइट किसके बराबर होता है? इसका आंसर बी रहेगा, 1024 बाइट जो है, 1024 बाइट के बराबर जो है 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन। आंसर बी रहेगा इसका, कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन जो है वो कैड की फुल फॉर्म होती है। ऑटो कैड बोलते हैं वैसे इसको, पूरा ऑटो कैड जो है आर्किटेक्चर वगैरह द्वारा मैप्स वगैरह बनाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, विशेषकर सिविल वाले इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं कैड को। क्वेश्चन थर्ड देखिए, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो है इसको हम बोलते हैं CPU का ब्रेन। मेमोरी भी नहीं है, कुंजी पटल भी नहीं है, CPU है इसका आंसर, और हार्ड डिस्क भी नहीं है क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर जो है कंप्यूटर की सारी स्टोरेज होती है डाटा की। तो इसका ऑप्शन आंसर सी रहेगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है 1946 यानी कि 1946 के अंदर हुई थी इस कंप्यूटर की खोज, मॉडर्न कंप्यूटर की। देखते हैं 5th क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को जो है वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कम्पिटिटिव एग्जाम में पहले भी आया है 1-2 बार, और अभी आगे भी इसके आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन सी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है जिसको हम CPU बोलते हैं, वो कंप्यूटर का मेन कंट्रोलिंग पार्ट होता है। उसी के अंदर हार्ड डिस्क है, DVD है, रैम, रोम, चिप्स, मदरबोर्ड वगैरह सभी उस CPU के अंदर होते हैं। इसी के अंदर एक ALU होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसको बोलते हैं सारा काम मैथमेटिक्स के जितने भी फंक्शन है कैलकुलेशन का सारा काम ALU के अंदर कंट्रोल होता है। और CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है कंप्यूटर का मेन पार्ट है, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं इसे। आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन, क्रे CRAY क्रे क्या है? इसका आंसर डी रहेगा, सुपर कंप्यूटर है क्रे, बहुत फास्ट कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। 8th क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सर्वाधिक शक्तिशाली जो है सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर जो है वो सुपर कंप्यूटर है, वो सबसे फास्ट चलने वाला है, तो सुपर कंप्यूटर इसका आंसर रहेगा, सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है क्या? वैक्यूम ट्यूब, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। आइए देखते हैं 9th क्वेश्चन, प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म को पढ़ने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर रहेगा OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम की जितनी भी आंसर शीटें हैं उनको पढ़ने के लिए। सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सबसे तेज गति का प्रिंटर जो है लेजर प्रिंटर है, जेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, डेली व्हील प्रिंटर्स हैं, ये जो है पुराने कंप्यूटर की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आजकल जो है लेजर प्रिंटर सबसे फास्ट चलता है और काफ़ी इकोनॉमिक भी है, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो यह है इसका ऑप्शन ए, लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? CD की फुल फॉर्म होती है कम्पैक्ट डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क के लिए जो है CD का उपयोग किया जाता है। एक होती है CD और एक होती है DVD, CD की फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क और DVD की फुल फॉर्म है डिजिटाइल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD की फुल फॉर्म है। आइए देखते हैं 9th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? 13th क्वेश्चन है, आंसर डी रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर, तो ये जो है पेंटियम कंपनी का बहुत ही फेमस है शुरू से ही, पेंटियम कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर जो है यूज होते हैं। 9th क्वेश्चन, कंप्यूटर विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर विकास के अंदर जो है वान न्यूमान जो है उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है शुरू से ही। SPAM किस विषय से संबंधित है? स्पैम जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, आर्ट से भी नहीं है, म्यूजिक से भी नहीं है, गेम से भी नहीं है, तो इसका रिलेशन सीधा सा कंप्यूटर के साथ है, कंप्यूटर विषय से संबंधित है ये स्पैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कार्यालय कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी है सॉफ्टवेयर की, इसके ओनर जो हैं वो बिल गेट्स के हैं, अमेरिका की कंपनी है वैसे ये, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कार्यालय कहाँ पे है? 16th क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा सी, यानी कि सीएटल के अंदर जो है इसका कार्यालय है मेन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? आंसर ए रहेगा इसका, नई दिल्ली के अंदर है इसका फर्स्ट कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस जो है वो नई दिल्ली के अंदर था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर ही सारी जो है रैम वगैरह, चिप्स वगैरह, या जो रोम वगैरह है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सभी उसके ऊपर होती हैं, मदरबोर्ड के ऊपर। तो कंप्यूटर का मेन पार्ट है ये मदरबोर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है वो व्यावसायिक कार्य है उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है यूज़ की जाती है कोबोल भाषा। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है या आउटपुट है या सॉफ्टवेयर है या स्टोरेज है? देखिए इनपुट जैसे कीबोर्ड है, ये इनपुट है, इसकी हेल्प से हम डाटा इनपुट करते हैं। आउटपुट वो उपकरण होते हैं, वे इक्विपमेंट होते हैं जिनके अंदर हम कोई भी रिजल्ट देखते हैं, जैसे प्रिंटर है, LCD है, LED है, या फिर प्रोजेक्टर है, ये सारे के सारे आउटपुट हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा भाग है जिसको हम छू नहीं सकते, और स्टोरेज इसके अंदर हम सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो स्टोरेज है, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, CD है, DVD है, ये सब स्टोरेज हैं। तो कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ये एक कंप्यूटर प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट का डिवाइस है, न कि इनपुट का। इसका ऑप्शन रहेगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर सी रहेगा, हार्डवेयर होते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स, सभी को पता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है भौतिक बनावट? हार्डवेयर बोलते हैं उसको भी, ये फिजिकल पार्ट होते हैं। फिजिकल पार्ट कंप्यूटर के CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सभी जो है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सभी इसके फिजिकल पार्ट हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं सब के सब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम निम्न कार्य करता है, क्या कार्य करता है? आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है, यानी कि सभी जितने भी डाटा होता है उसको कंप्यूटर में इनपुट करवाता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी रहेगा आंसर इसका, कंप्यूटर प्रोग्राम निम्न कार्य करता है, आंकड़ों को किस में डालता है? कंप्यूटर में डालता है, आंसर इसका डी रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल, एप्पल क्या है? एक प्रकार का फल है, या तो पिपली का कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क है, या कंप्यूटर भाषा है? तो एप्पल जो है इसका ऑप्शन रहेगा बी आंसर, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है ये एप्पल। कंप्यूटर नेटवर्किंग भी नहीं है, कंप्यूटर की लैंग्वेज भी नहीं है, तो ये जो है आंसर है इसका बी। भारत में रेलवे के अंतर्गत सबसे पहले कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपिटिटिव की दृष्टि से, आंसर ए रहेगा इसका, नई दिल्ली के अंदर जो है कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सबसे पहले शुरू की गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आए होंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।